गवर्नमेंट चली जाएगी वापस, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं 20-30 ज़्यादा दे देगा, मार्केट फेल हो जाएगी, वो मोनोपोली हो जाएगी। जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी 2 साल बाद, सीड से मार्केट, सीड भी उसका, पेस्टिसाइड भी उसकी, फर्टिलाइजर भी उसकी और प्रोसेसिंग भी उसकी, फिर जो चाहेगा वो देगा, जो रेट चाहेगा वो रेट देगा, क्योंकि ना तो उसका होल्डिंग पे कंट्रोल ना, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आस्ता आस्ता फार्म निकल जाएगा। आप कहते हैं ज़मीन कैसे जाएगी, ज़मीन ऐसे जाएगी जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी, वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा। ये क्यों नहीं करते, ये किसान मांगता है, कर दो, फिर हम किसान चुप कर जाएगा। सेकंड क्या है, आप यू'ल हैव टू स्टार्ट गारंटी कंक्लूडिंग प्लीज, कंक्लूड करना पड़ेगा। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, सॉरी सर, मैं तो बहुत मीठा बोल रहा, एवरीबॉडी इज स्पीकिंग वेरी रेलेवेंट, अनफॉर्चूनेटली प्लीज टाइम जो है, प्लीज मैं आउट ऑफ की सब्जेक्ट नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कभी जो कहना चाहता था वो तो मैं कह ही नहीं सकता, पालना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं पॉइंट थी, मुझे प्लीज, मैं आप ही कम बोल रहा हूँ डायरेक्ट, सो व्हाट कैन आई डू, सो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसको जमीन ऐसे जाएगी जब उसको प्राइस पे कंट्रोल नहीं रह जाएगा, कहीं हमने तो कंट्रोल की गारंटी दी नहीं लीगल, तो आस्ता आस्ता किसान कर्जाई हो जाएगा, वो कंपनी जमीन ले लेंगी और सब कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा, फिर असेंशियल जो एक्ट है उसके तहत होल्डिंग है, रेट कंज्यूमर भी मर जाएगा और प्रोड्यूसर भी मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूसर वो कामयाब है जिसकी मोनोपोली है, किसी चीज़ का भी प्रोड्यूसर है ये फार्मूला है कि दुनिया में प्रोड्यूसर फेल होता है जिसकी मोनोपोली नहीं, वो कंपटीशन में कामयाब नहीं होता। और उसका असर किस पे होता है, कंज्यूमर पे, फायदा कौन बचाता है, जिसको आप बिचौलिया ट्रेडर कहते हैं, पहले तो ट्रेडर था 16-17 लाख, उससे किसान टकरा जाता था, अब तो 5-4 आ जाएंगे, 5-4 कंपनी रहेगी वर्ल्ड में जिसका जो सारी वर्ल्ड पे 59% शेयर है ग्लोबल मार्केट में, तो उसका कैसे किसान मुकाबला करेगा, वो तो वकील को 5 लाख दे देगा, किसान कहाँ लाएगा पैसे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ द्वारा चर्चा कीजिए, अगर हमारी बात पहले मान लेते तो ना हम तो अलग होते, आपका प्यार रहता, तो ना हमें इस्तीफा देना पड़ता, और जे किसान को बहाना रुलना पड़ता और देश सारा डिस्टर्ब ना होता, आपको दिल्ली में द्वार जर्मन बालना निकालनी पड़ती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, ये डेमोक्रेसी है, लोग सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए बनती है, लोगों के लिए काम करती है, इसलिए कोई बात नहीं, हम हाथ बन के कहते हैं, किसानों की तरफ से कहते हैं, जाए हमें देखें किसान कैसे स्वागत करेंगे, सभी पार्टी कहे के साथ नाल ले जे लीडर जाए, उनको उनके जाने से किसान खुश हो जाएगा और उसके चर्चा के बाद ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ किसान को दुश्मन ना समझिए, किसान मित्र है, अगर जय जवान है, जय किसान है, ता ही जय हिंदुस्तान है। इसलिए हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम तो वो लोग हैं जिसपे गोलियां चली हैं, हम तो हम लोगों ने मुकाबला किया।